अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम नमान मोहम्मद है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनल लेवल का कैंडिडेट हूँ और मैं क्वालिफाइड पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट हूँ और रजिस्टर्ड इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सर। आज जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ इसका बेसिक पर्पस ये है कि इसमें सैलरीड इंडिविजुअल्स किस तरह से अपना टैक्स ईयर 2019 का रिटर्न फाइल करेंगे और ये बाकी किसी के ऊपर ऐसा अप्लाई नहीं होगी वीडियो, तो ये बेसिकली सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट चीजें होती हैं और सेकेंडली ये सिर्फ टैक्स ईयर 2019 पे एप्लीकेबल है क्योंकि हर फाइनेंस एक्ट में डिफरेंट चेंजेस आती हैं और इसी तरह जो फाइलिंग का तरीका कार है उसमें मोर और लेस सेम रहता है बट कुछ ना कुछ छोटी मोटी चेंज आ जाती है। तो ये मैं स्पेसिफिकली 2019 टैक्स ईयर के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि मैं ये बता दूं आपको कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाया हुआ होगा FBR के पोर्टल के ऊपर। अगर नहीं भी बनाया हुआ तो ये लिंक है इसका iris.fbr.gov.pk, इस पे जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं या ई सर्विसेज के लिए इनरोल भी कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इनकम टैक्स में। सिंपली उस पर जाकर लॉग इन करना है तो आपको इस तरह का ये पोर्टल एक ओपन हो जाएगा जो ये अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपने अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए डिक्लेरेशन में जाना है और नॉर्मल रिटर्न को सिलेक्ट करना है। नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी कंपनी 2019 के रिटर्न में कुछ और भी तरीके आए हैं जो कि इजियर वे ऑफ फाइलिंग है बट नॉर्मल रिटर्न एक ऐसी टैब है जो कि सब पे एप्लीकेबल होगा, इसलिए मैं इसी के थ्रू बता रहा हूँ। इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल। पीरियड आपने 2019 सेट करना है, पीरियड पे क्लिक करें, 2019 सेट करें, इंटर प्रेस करें और ये जो पीरियड आ रहा है ये सबका टैक्स पीरियड है जो भी सैलरी इंडिविजुअल है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। जब ये सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास सिंपली फॉर्म खुल जाएगा जिसको के टैक्स रिटर्न का फॉर्म कहा जाता है। आपने इसके अंदर अपनी जो इनकम ये इनकम एंड सैलरी का टैब है यहीं से ये स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपने अमाउंट डालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर अमाउंट बता रहा हूँ। अगर आपकी सैलरी साल में 12 लाख आपने अर्न की है ऑन रिसीट बेसिस, जो इनकम टैक्स आपका होता है वो रिसीट बेसिस के ऊपर होता है कि आपने साल में 12 लाख रुपए की सैलरी रिसीव की है अपनी कंपनी से, तो आप सिंपली उसको यहाँ पे इनपुट कर देंगे। ये अमाउंट आपको कहाँ से मिलेगी? आपका एम्प्लॉयर आपको टैक्स सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसके अंदर उसने दो अमाउंट्स मेंशन की हुई होंगी। एक तो ये कि आपकी साल की सैलरी कितनी थी जो आपने रिसीव की और उस सैलरी के ऊपर कितना टैक्स कंपनी ने डिडक्ट किया, तो ये दो अमाउंट जो मेंशन होंगी। यहाँ पर आपने वो अमाउंट मेंशन करनी है जो कि आपकी साल की पूरे साल की सैलरी की अमाउंट वहाँ पर मेंशन है कि आपने पूरे साल में इतनी सैलरी रिसीव की है। अगर उसमें कोई और ब्रेकअप नहीं, ये इस तरह के अनाउंसेस ये स्पेसिफिकली पायलट्स और जो नेवी के प्रोफेशनल्स हैं या फ्लाइंग और इससे रिलेटेड लोग हैं उनके लिए है और ये वाले कॉलम में नॉर्मली सैलरी इंडिविजुअल्स यूज नहीं करते। तो सिंपली आपने जो सैलरी सर्टिफिकेट से अमाउंट है वो यहाँ उठा के इसमें इनपुट कर देंगे। अब मैं ऑल दो बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में बात नहीं करूंगा इस रिटर्न में क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट रखना है वीडियो को और ये सैलरीड इंडिविजुअल के लिए। बट नॉर्मली जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास अक्सर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उन्होंने रेंट आउट की हुई होती है, तो मैं इस केस को जरूर डिस्कस करूंगा कि अगर आप कोई रेंटल इनकम अर्न कर रहे हो तो आपने प्रॉपर्टी में रिसीव डिडक्शन के अंदर चले जाना है और रेंट रिसीव और रिसीवेबल के अंदर जो पूरे साल में आपने रेंट अर्न किया है उसकी अमाउंट डाल देनी है। यहाँ पर ये मैंशन करना बहुत जरूरी है कि अगर आपके जो टेनेंट है वो आपको रेंट विदाउट टैक्स डिडक्शन पे करता है, यानी वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल वगैरह नहीं है या कोई कंपनी नहीं है, तो फिर डेफिनेटली ये टैक्स आप यहाँ पर जो भी आपका बनता होगा 2 लाख से अबव वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। इसके अंदर डिडक्शंस कुछ अलाउड होती हैं जिनमें सबसे जो मेजर डिडक्शन वो ये अलाउड है कि अगर आपने अपनी बिल्डिंग पे या जो आपने प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है उस पर आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराते हैं तो 1/5 ऑफ द वैल्यू ऑफ रेंट जो है वो आप एज अ मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। डेफिनेटली एक्चुअल अमाउंट जो भी होगी वो क्लेम करेंगे, अप टू 1/5 ऑफ द रेंट आप क्लेम कर सकते हैं। अदर चीज़ों में ये है कि आप जो टैक्सेस वगैरह लोकल अथॉरिटीज को पे करते हैं वो भी आप एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं इसके अंदर। ये दो चीज़ें इनपुट करने के बाद बाकी टैब्स को छोड़ते हुए मैं डायरेक्ट आ जाऊँगा फाइनल फिक्स्ड मिनिमम एवरेज रेलेवेंट रिड्यूस्ड टैक्स वाली इनकम के ऊपर।
ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली लोगों ने डिविडेंड्स लोगों को रिसीव हो रहे होते हैं जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं, उन्होंने अक्सर स्टॉक्स में शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ होता है तो उनको अक्सर डिविडेंड रिसीव हो रहा होता है जो कि सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स होता है। अगर कोई ऐसी चीज़ आप रिसीव कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे उस की अमाउंट को मेंशन करना है। यहाँ पे ये देखें डिविडेंड का सेक्शन आ रहा है, डिविडेंड जिस रेट पे आपका टैक्स डिडक्टेबल, ये फाइलर नॉन फाइलर और इस तरह के डिफरेंट चीज़ों के ऊपर ये डिफरेंट रेट्स होते हैं। तो आपके पास जो भी डिविडेंड का आपको वो सर्टिफिकेट सेट मिला होता है उसके ऊपर लिखा होता है कितने परसेंटेज पर डिडक्ट हुआ है। यहाँ पे आप डिविडेंड की टोटल अमाउंट डालें, यहाँ पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो डालें, इससे आपकी टैक्सेबल इनकम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जो डिविडेंड्स आपको पे होते हैं वो हमेशा उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स जो उसका फुल एंड फाइनल होता है वो डिडक्ट हुआ हुआ होता है। और चीज़ें भी यहाँ पर आ रही हैं, प्राइसेस एंड विनिंग्स हैं जिसके अंदर, और कैपिटल गेन्स वगैरह हैं जो आप प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अर्न करते हैं उनके ऊपर टैक्स डिडक्ट हो जाता है। तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन भी नहीं है और वो एक सैलरी इंडिविजुअल की नॉर्मली होती भी नहीं है, तो इसलिए आप सिंपली इसको इस हद तक देख सकते हैं। वंस यू आर डन विद दिस स्टेप तो आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएँ विच इज़ डिडक्टेबल अलाउंसेस। इंडिविजुअल्स को कुछ अलाउंसेज अलाउड होते हैं जिससे उनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो रिड्यूस हो जाती है, सच एज ज़कात। अगर आपने ज़कात पे की है अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस और कैश में पे किए तो आप यहाँ पे उसको इनपुट उसके अमाउंट को कर सकते हैं। और ज़कात जो कैश में पे की होती है वो एडमिसिबल होती है अगर वो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के अंडर पे की गई हो। सेम गोज फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, और अगर आपने अपने या अपने बच्चों के एजुकेशनल एक्सपेंसेस बियर किए तो वो उनका भी अलाउंस आपको मिल जाता है। दैट इज सब्जेक्ट टू कि आपकी कुछ कंडीशन हैं जिनके ऊपर आप फुलफिल करते हो, बट आप सिंपली यहाँ पे वो अमाउंट डाल दें। अगर आपकी अमाउंट एलिजिबल होगी अलाउंस लेने के लिए तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, अदरवाइज वो इनएडमिसिबल खुद ही हो जाएगी। यहाँ डोनेशन भी हैं जो आपने डोनेशन दी हैं, अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक कंडीशन देखनी है, आप देखना चाहते हैं तो ये सेक्शन का रेफरेंस लिया हुआ है 61, 60D, 60, ये आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में खोल के देख सकते हैं कि इनकी रेलेवेंट क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। डिडक्टेबल अलाउंसेस के अमाउंट एंटर करने के बाद आप जाएंगे टैक्स क्रेडिट्स के अमाउंट के ऊपर। टैक्स क्रेडिट्स उन चीज़ों के ऊपर मिलते हैं जिस तरह आपने नॉर्मली सुना होगा कि आपको अगर कोई ये इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह आपके ऑफिस में सेल आउट करने आते हैं तो बताते हैं कि आप इस दफ़ा टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी अगर आप ये लेंगे। तो गवर्नमेंट क्योंकि इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए ताकि मनी का फ्लो एक अच्छा रहे गवर्नमेंट के पास, तो लोगों को इनक्रेज करती है, जिस वजह से ये टैक्स क्रेडिट्स देती है। टैक्स क्रेडिट और अलाउंसेज में बेसिक डिफरेंस ये है कि टैक्स अलाउंस जो होता है डिडक्टेबल अलाउंस, ये आपकी टोटल इनकम को रिड्यूस करता है, जबकि टैक्स क्रेडिट जो है वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी को, यानी आपकी जो भी टैक्स की अमाउंट बनी होती है उसको कम करता है। तो अगर आपने जो भी अगर कोई चैरिटेबल डोनेशन है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हैं, इनके अपने अपने रूल्स हैं जिस बेसिस पर आप ये क्लेम कर सकते हैं, वो देखने के लिए आप सिंपली ये सेक्शन देख के इनके रेलेवेंट रूल्स देख सकते हैं। अगर वो आप नहीं देखना चाहते तो सिंपली आप अमाउंट को एंटर कर दें यहाँ पर और एलिजिबिलिटी वो डिटरमिन हो जाएगी उसकी। बट ये इतना सिंपल नहीं है, इनमें कुछ चीज़ें आपको खुद देखनी भी पड़ती हैं कि वो एलिजिबल हुए हैं या नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर बाद में वो एलिजिबल नहीं होंगी तो वो इन केस अगर आपका ऑडिट ओपन होता है या कोई टैक्स कमिश्नर आपको चीज़ों के लिए कॉल करता है तो वो आपके उसमें से निकल जाएंगी टैक्स क्रेडिट में से। फिर आप ये इनपुट करने के बाद आ जाएँ एडजस्टेबल टैक्स के टैप के ऊपर। यहाँ पर वो टैक्सेस आपने इनपुट करने होते हैं जो आपके टैक्सेस एडवांस इनकम टैक्स के तौर पर डिडक्ट हुए होते हैं डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, जिनमें सबसे बड़ी जो कॉमनली डिडक्ट हुआ होता है वो जब आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी पे करता है तो वो सेक्शन 149 के अंदर आपका टैक्स डिडक्ट कर रहा होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर हमेशा आपका सही अमाउंट का टैक्स डिडक्ट करे, उसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं। तो आपने यहाँ पर एग्जैक्टली वो अमाउंट लिखनी जो उसने डिडक्ट की है, ये उसी सर्टिफिकेट से आपको मिलेगी जिसका मैंने बिल्कुल शुरू में जिक्र किया। यहाँ पर आप वो अमाउंट लिख दें जो एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी को पे करते हुए टैक्स के तौर पर काटी है।
फिर इसके अंदर और भी चीजें आती हैं, जिस तरह हम कैश की ट्रांजेक्शन्स करते हैं बैंक से और उसके ऊपर हमारा टैक्स कट जाता है, कैश विड्रॉल अगर लिमिट से ज्यादा हो या इस तरह की चीजें जो होती हैं। तो यहाँ पे आपने उनकी डिटेल सिंपली प्लस का बटन प्रेस करके ऐड अप कर लेनी है और इनको यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है। इसी तरह मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गई, मोटर व्हीकल की ट्रांसफ़र फ़ी हो गई, उनके ऊपर जो एडवांस टैक्स होता है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। टेलीफोन्स के और इंटरनेट के बिल्स के ऊपर जो आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं उनकी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। बट मेक श्योर जो भी चीज़ आप यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं उसके लिए आपके पास एडवांस टैक्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक से आपको बैंक का मिल जाएगा। टेलीफोन बिल और इंटरनेट बिल्स नॉर्मली उनके ऑनलाइन पोर्टल्स जो होते हैं उनके ऊपर वो सर्टिफिकेट डाउनलोडेबल होता है और अवेलेबल होता है। इसी तरह गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी या टोकन टैक्स वगैरह की होते हैं रिसीट्स, उनके ऊपर ये अमाउंट मैंशनड होती है। और अगर आप ये श्योर नहीं है कि आपको किस सेक्शन के अंदर टैक्स कटा है तो आप सिंपली अपनी रिसीट के सर्टिफिकेट को देखें, उसके सेक्शन मैंशनड होगा और यहाँ पर आप वो कंट्रोल एफ करके सेक्शन सर्च करना तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने वो अमाउंट किस कॉलम के अंदर इनपुट करनी है। तो यहाँ पर जो मैंने इनकम डाली है 1.2 मिलियन यहाँ पर डाली है, तो मैं एडजस्टेबल टैक्स के अंदर मेरे पास जो सर्टिफिकेट पर वैल्यू आ रही है वो 2000 आ रही है कि जो एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ टैक्स, तो ये मैं यहाँ पर डाल लूँगा। यहाँ पर जब मैंने इसको डाल लिया तो विदहोल्डिंग इनकम टैक्स यहाँ पर 2000 के अमाउंट से शो हो गया और अब डिमांडेड और रिफंडेबल इनकम टैक्स में कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि एम्प्लॉयर ने एग्जैक्टली ठीक अमाउंट का इनकम टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया है। इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है, बट कमिश्नर के पास राइट्स होते हैं कि वो किसी भी इंडिविजुअल से किसी भी पर्सन से वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने का भी कह सकते हैं। तो हमारे जितनी भी टैक्स रिटर्न्स फाइल होती हैं उनके साथ वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना मैंडेटरी होता है। पहले वेल्थ स्टेटमेंट सेपरेटली आपको फाइल करनी होती थी, आपकी इन्होंने 2019 की टैक्स रिटर्न में इसको मर्ज कर दिया इनके अंदर ही। सेक्शन डिफरेंट है उसका डेफिनेटली वेल्थ स्टेटमेंट का, बट वो इसी फॉर्म के अंदर मर्ज है। इसके अंदर पहली चीज वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एक्सपेंसेस आ जाती है। पर्सनल एक्सपेंसेस में आपने रेट रेंट्स और ये जो टैक्सेस वाला है इसमें मेक श्योर करना है कि जितनी अमाउंट का टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है वो तो आप ज़रूर मेंशन करें, उसके अलावा अगर आपके जो भी हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप अपना बेस्ट एस्टिमेट जो आपके एक्सपेंसेस का, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल अपने एक्सपेंसेस की डिटेल्स मेंटेन नहीं करता और ना ही वो रिक्वायर्ड है बाय लॉ के वो मेंटेन करें, तो यहाँ पर अपना बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंसेस मेंशन करें। हाउएवर अगर आपने कोई ज़कात पे की है, अगर आपने कोई एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दोज इन रिस्पेक्टिव कॉलम्स, ताकि वो आपस में कोरिस्पॉन्ड कर सकें आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से जिनके आप अलाउंसेस क्लेम कर रहे हैं। देन आप पर्सनल एसेट एंड लाइबिलिटीज के टैब पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपने अपने तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को डिक्लेयर करना होता है। इसके अंदर आपको सिंपल चीज़ें आती जाएंगी, ये जो इन्वेस्टमेंट्स वाली हैं इनके अंदर आपके जो भी बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं वो नज़र आपके इनपुट करना है, आपने उनके बैलेंसेस 30 जून के ऊपर डालना है, मोटर व्हीकल्स डालने हैं, सिंपल है। और इसके अंदर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कैश के अंदर आप ज़रूर कुछ ना कुछ अमाउंट डालें, क्योंकि एट एनी गिवन टाइम हर इंडिविजुअल के पास कुछ ना कुछ कैश अवेलेबल होता है, 10,000, 50,000 रुपीज़ इस तरह। और सेम गोज़ फॉर लाइबिलिटीज़, अगर आपकी कोई लाइबिलिटीज है, आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है कुछ, तो वो यहाँ पर इनपुट करते हैं। जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर आपने डालनी है, उनके अंदर आपने उनका एड्रेस और एरिया और अमाउंट, यहाँ पे ये याद रहे कि जो भी आप प्रॉपर्टी गाड़ी व्हीकल जो भी चीज़ आप डालते हैं आपने एक्चुअल कॉस्ट उसकी डालनी है जिस पर आपने एक्वायर की है। अगर आपको कोई चीज़ इनहेरिटेंस में या गिफ्ट में मिली है तो आपने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू इनपुट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको इनहेरिटेंस में एक प्लॉट मिल गया या गिफ्ट में आपको एक प्लॉट मिल गया, तो आपने उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है जिस दिन वो आपको गिफ्ट मिला है वो अमाउंट इसके अंदर इनपुट करनी होती है। फिर रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास नेट एसेट्स जो प्रीवियस ईयर के आ रहे होते हैं वो यहाँ पर उनकी वो अमाउंट आ जाती है जो भी आपके पिछले साल के रिटर्न में फाइल हुए हैं। अगर नहीं हुए हुए तो आपको उसकी वैल्यू कंप्यूट करके यहाँ पर डालना है अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलर हैं। फिर आपने इसके अंदर डालना है
तो हम यहाँ से पे थे कि इस वेल्थ स्टेटमेंट को किस तरह से हमने फाइल करना है, और इसके अंदर आपने जो है वो जो भी आपके प्रीवियस ईयर के एसेट्स थे अगर आपने पहले से रिटर्न फाइल की हुई तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने नहीं की हुई और आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो आपको वो 30 जून पे आपके जो भी एसेट्स टोटल बनते थे उनके अमाउंट टोटल करके यहाँ पे इनपुट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने इनकम की अमाउंट डालनी है, जैसे कि वो 1.2 मिलियन हमारी इनकम थी तो वो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे 1.2 मिलियन डिक्लेयर कर दी। हमारी इनकम जो कोई एग्जेम्प्ट ऐसी थी नहीं, इसलिए नॉर्मल टैक्स वाली जो भी इनकम थी वो यहाँ पर डाल दी। अगर आगे कोई फॉरेन रेमिटेंसेज आएंगे तो यहाँ पर डाल दें। इनहेरिटेंस में जितनी वैल्यू आपको मिली है प्रॉपर्टी की या कैश या वॉट एवर इट इज, यहाँ पर वो अमाउंट डाल दें। गेन गिफ्ट जो भी मिला है वो यहाँ पर डाल दें। अगर आपने कोई एसेट सेल परचेज किया और उस पर आपको गेन आया है तो वो यहाँ पर डाल दें। आपके पर्सनल एक्सपेंसेस वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा जो आपने पिछली शीट में डाले होंगे, और जो आपने गिफ्ट किसी को दिया है वो यहाँ पर डाल दें, और जो आपका अगर लॉस आया है किसी एसेट को बेचने के ऊपर वो यहाँ पर डाल दें। और यहाँ पे आपने वो वैल्यू डालनी होती है जो आपने एसेट्स ट्रांसफर सोल्ड गिफ्टेड डोनेटेड ड्यूरिंग द ईयर किए होते हैं, यहाँ पे वो आपने चीज़ शो करनी होती है। अल्टीमेटली ये आपकी रिकनसाइल होते हुए यहाँ पे ये होता है कि आपको क्योंकि एक्सपेंसेस का एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि आपने कितने चीज़ें एक्सपेंस की थी, तो आप सिंपल काम करें कि आपने अपने एसेट ठीक ठीक डाल लें इस शीट के अंदर, जो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं या इनकम आपने अपनी ठीक डालनी है। जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो डेफिनेटली आपने एक्सपेंस आउट कर दी, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल। अगर आपके साल के शुरू में 100 रुपये के एसेट्स थे फॉर एग्जांपल और आपकी इनकम थी 50 रुपये की, तो आपके साल के आखिर में जाके अगर 130 के एसेट्स हैं या 120 के एसेट्स हैं से, तो इसका मतलब है कि 30 रुपये जो है वो आपने साल में खर्च कर लिए, बाकी आपके एसेट्स हैं। तो वो जो बैलेंसिंग पे पर्सनल एक्सपेंसेस आते हैं वो पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे आप उसी हिसाब से एलोकेट कर दें जितने टोटल बनते हैं। फिर ये रिकॉन्सिलिएशन आपकी यहाँ पे अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट जीरो आ जाएगी। जब ये फॉर एग्जाम्पल अगर ये अभी 649,634 से ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ, 649,634 ये मैंने 669 इसलिए डाला है क्योंकि 20 यहाँ पे ऑलरेडी था, तो इसको आपके एक्चुअल अमाउंट है जो आपके अंदर जाएगी। डेफिनेटली दिस वुड बी रीजनेबल, आपको अंदाजा होते ही कि आपके मंथ के एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। वंस आपकी रिकॉन्सिलिएशन अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट जीरो हो गई तो आपके रिटर्न इज रेडी टू सबमिट। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाके वेरिफिकेशन में वेरिफिकेशन पिन कोड डालना है, जो आपने जब रजिस्ट्रेशन की होगी तो आपको 4 डिजिट्स का एक पिन कोड भी SMS में आया होगा अलॉन्ग विथ पासवर्ड। वंस यहाँ पे आपने वो पिन कोड डाल दिया जो भी है, इसको वेरीफाई करें, वेरीफाई करके सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है। वंस सबमिटेड तो आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगी। कुछ मैंडेटरी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आप गिफ्ट या इनहेरिटेंस या इन चीज़ों के थ्रू आपकी कुछ चीज़ आ रही है तो मेक श्योर कि कैश गिफ्ट हमेशा बैंकिंग चैनल और क्रॉस चेक के थ्रू होना चाहिए और सपोर्टेड बाय गिफ्ट डीड। तो आप जब भी अपनी इस तरह की ट्रांजेक्शन साल के अंदर कर रहे हों तो आप ये यकीन दहानी कर लें कि आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हों, गिफ्ट डीड, इनहेरिटेंस की जो भी इसकी डॉक्यूमेंट्स हैं रेलिवेंट वो, और गिफ्ट के केस में कैश में आपका हमेशा कैश इन काइंड नहीं होना, कैश आपका हमेशा थ्रू बैंकिंग चैनल होना चाहिए और उसकी गिफ्ट डीड बनी हुई होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प करेगी वीडियो अपनी रिटर्न फाइल करने में। चूँकि 30 सितंबर नॉर्मली लास्ट डेट होती है, आई हैव हर्ड कि कोई एक्सटेंशन वगैरह आ गई है, तो आप इसको देख के अपनी तसल्ली से रिटर्न फाइल करें। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो आप नीचे कॉमेंट्स में मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं हर क्यूरी को इंडिविजुअली आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।